प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज। नाना जी ने कह दी आशीर्वाद असो दियो, नी माने तो जाओ नारायण, आखरी है मारो सवाल। और बैठ जो गादी पिता रावत भोज की, आर चाल जो बड़ा की, ए फेर से पदार जे रे पावनो मामा देश रे, आनी मामा देश का लोगो रे भूल मत जा जे। देव नारायण भगवान ने कहा सब आपकी कृपा से खेड़ा बसेगा नाना जी, आपकी बड़ी दया रही, आपने मुझे बड़ा किया है। भगवान कह रहे हैं क्यों कह रिया कि हे कलयुग का नव युवक, और हे कलयुग के नव युवक, सभी माता बहने, सभी भाई बंधु, सदा बड़ा को सम्मान कर जो। चल दिया वहां से देव नारायण भगवान, विचार करियो कि अब मोटी मामी को अपनो हिसाब क्लियर करला, घनी गलती करी, घनी गलती करी, ये गलती को आखो रजिस्टर भरियो, अब जाता जाता मजिस्ट्रेट बनकर न्याय चुका लो। हा देख जो अब तू कहने के बुरा किसी का मत करो, खुद बुरा हो जाएगा और एक दिन माटी का पुतला तो माटी में मिल जाएगा। तू किसी की ऐब को बेनकाब ना कर, हम तो मगर बुरे हैं पर तू तेरी नियत खराब ना कर। भगवान नारायण मोटी मामी का घरे गया है, मोटी मामी सा से निवेदन करियो, ओ बड़ी मामी, ओ बड़ी मामी, अन्न धन लक्ष्मी गणिती था का घरे, था दूध का डेचाल, उनी टेम पे मैंने एक कटोरो दूध को मांगियो थो, आपने मारे पिलाई की खाटी छाछ। मामी बोली ओ मारा नाथ, यो मारी नंदल को लाल मारो बेरी, अभी तक दूध और छाछ सबने बोलियो, सब बात है याद है नहीं है, याद है मामी, पर अब आप आशीर्वाद दे दो, मुझे गोट नगर में जाना है। मामी बोली कौन कौन जाई रहा। मामी ने विचार करियो, जाता जाता से यश लैला, क्यों को यश ला, ऊपर का मन से अपन भी कह दो, नहीं माने लाल रुको अभी तो नहीं मामी, अब रुकने के दिन नहीं है, अब तो जाने के दिन है। जय हो। मामी बोली कुण कुण जी रहा, सब जा रहा, कौन कौन, गाय जा रही मेरी, सबसे पहला गाय की गई, गौ माता जाएगा, मेरी माता साडू जी जिनके साथ में मेरा विवाह हुआ वो नागकन्या भी जाएगी, और मेरे भाड़जी और सगले साले सारे ग्वाल भी जाएंगे, और सब गायें भी जाएंगी। मामी ने विचार करियो, यो जाए तो फंदो कटे, पर गाया जावे तो दूध को नुकसान है, जय हो, गोबर को नुकसान है, और ग्वाल चलिया जावे तो घरे नरो कामकाज, गाया भी चराता था, कामकाज भी संभाले था, बाड़ा छनियाड़ा खाली हुई जाएगा। जय हो। मामी साके बालागी विचार करियो के यो जाई रियो तो असो कराने यही समाप्त कर दबाने में, हाँ। जाते जाते भी भगवान से दगो करी रही हो, ये दगो किसी को जय हो सगो नहीं, नी माने तो करके दे, सगा नहीं नी माने तो करके दे, दे।
सगोनी है नी माने तो करीन देखी ले इतरा पे भी विश्वास नहीं होवे तो दगा खोर का गरे जाई के देख ले। जय हो मामी के बालागी भानेज लाल बारह बरस का तमिया रही रिया एक बार छाछ जरूर मारा गरे पी थी पर अभी तक कोई तमने खीचड़ो नहीं खायो फरियाल नी करियो अब तम जाओगा तो शरीर रुकोगा है नी देवनान भगवान बोलिया सपा नी रुकू कहीं केनो पड़ रियो के फिर जाता जाता मारा घर की मनवार आरोगी जाओ कशी मनवार मामी के थोड़ो खीचड़ो बनाई दो नाश्ता रूप में थोड़ो फरियाल कर जाओ और फिर आप थाका देशगढ़ गोठाने जबो ए भानेजा मान लो मोटी मामी साकी बाते हाँ या बात सुनता देवनारायण भगवान घट घट की जाने मामी का घट की नहीं जाने के कि या परमेश्वरी अब और जाते जाते भी अपने साथ में दगो कर रही है। जय हो कहीं तो नारायण भगवान देखो जो है केबा लगा के ठीक है मामी आपका घर की मनवार आरोग लगा पर थोड़ो दो थाल में खिचड़ो बना जो मुंह एकलोन जी मुंह आज मारा बाट जी भी जी मेगा। अब मामी को मन कहीं है जाता जाता है थोड़ो जेर मल खवाड़दानी बाने जे तो यो यही मरी जाएगा और गाय अपना घरे रही जाएगा। बताओ भगवान का साथ में इतरो बड़ो दगो मामी साउंड टेम पे भगवान श्री देव नारायण के लिए खिचड़ो बने तैयार करियो नारायण के कांसा को भाणो लाई मामी चचू भाटजी की भी थाली लगाई बाड़जी देखियो देव नारायण भगवान का कांसा का बाणा में थोड़ो घी ज्यादा नजर आयो होगा बाड़जी बोलियो जे हो जजमान माता साडू का आपका पिताजी का साथ में मैं दूर दूर जातो थो बड़ा बड़ा रजवाड़ा में जातो थो बड़ी बड़ी बैठक में बैठे थो मार गणे की थाली भी लेता और उनका गणे की थाली मो देता रीत करो तो तुम्हारा पिताजी वाली लोग कासो फेर जी मिला देवनारायण भगवान बोलिया बाटजी के हा यो कासो बदल मार घोट नगर में करांगा या मोटी मामी घर नहीं करा के क्यों के ना लंबा हो जाऊंगा कहो लंबा ओछा को कई कारण है कि अभी जोगनी का पेट में से अड़के लायो अब मारी गारंटी नहीं है मर जाओ जेरे खानो के बाट जी बोलियो अपने अपने जी मो मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश बिना मान से अमृत पियो राहु ने कटायो शीश मान सहित विष खाए कल और शंभु भये जगदीश
बिना मान से तो अमृत भी पियो साहब, तो राहु के भी शीश कटानो पड़ियो देवता और की लाइन में बैठबा का चक्कर। तो ध्यान रहे मान और सम्मान की बात होती है। देवनारायण भगवान कांसो जी मिरिया मामी का मेल में नारायण। अच्छा एक कारण और रियो, भगवान देवनारायण एक ही निवालो आरोग्यो और कर कहीं से मोटा मामा जी फरता फरता आ गया। देवनारायण भगवान ने विचार करी जाता जाता मामी की आत्मा बाली जलो हवे। दरबार बोलिया मामा सा हाँ अपन दुई माम माने आज तक मुथांग करे 12 साल को रह रियो एक थाल में नहीं जीमिया आओ आज तो बेड़े जीमा। मामा जी भी सीधा स्वभाव का था कहते ही के बेड़े बैठ के हो जाई रियो है जीत कर रियो जी। मतलब मामी से पूछो का दिल पे कहीं बीत ली के बाने जो मरियो जातो जातो मारो भी चूड़ो फोड़ा गयो। हाँ दौड़ी दौड़ी मेल से बाहर आई मामा जी उन्हें खींचना है गटपट कर खाबाई लगा था हाथ पकड़ लियो खायो। मामा से बोली ऐसी क्यों बोल रही कहीं 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 बीमारी बड़ी नहीं तो के क्या कहो था इलाज नहीं आ रही क्यों। सो ब्राह्मण और एक बाणेज बाणेज का बेड़े जीमो पाप लागे। देव नारायण के बाल लगा श्री मामी भारत का घर घर में तो भारत को कल्याण कर दे। बापड़ी ने जेर मारा लिए बनायो मामा जी ने क्यों बेकार में परेशान करा। धनी मारा ताशो जी मेरे मामी रामे इल में नारायण ताशो जी मिरिया वो मामी का श्री देवधनी दरबार मामी का द्वार पे आखिरी मनवार आरोग्य। आखिरी आखिरी में भी भगवान नारायण ने विचार करियो मामी अच्छो नहीं करियो जाते जाते भी जेर खुआड़ दियो परमेश्वर और मामा तो दो माँ के बराबर हुए। मामा दो माँ मामा
और ध्यान रहे मामी ने दगो करियो है। भगवान ने जैसे ही वो खींचड़ो जीवियो पानी पियो मामी ने विचार करियो अबे मरेगो यो मारी ननंद को बेटो पर मरना जिसने मीरा के जेर को अमृत बना दिया वो कभी मर सकता है। उस समय नारायण भगवान मामी का मेल में उल्टी करी, प्रथम उल्टी करी, एक गोयरो बने मामी का मेल में छोड़ दियो। मामी करे बाप रे बाप, राम राम राम, यो मारी ननंद के बेटो है के कहीं अवतार है। मरने की बात तो दूर रही, सांप गोयरा एड रियो अवतारी थो, 12 साल करे रियो पर उकी पहचान नहीं करी।